आपण मानक प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना प्रभात सकाळ सूर्य उदय हो सारी सूर्य सुना किरण निजक खेल घास गालीचा सारा आमती एक समय आपण मैंने अपेक्षा कर प्रार्थना प्रभातर आसर को प्रार्थना प्रभातर आसर को मो शरण नना आो सांगे मो चरण नना दुई नना आपण मान स्वागत करुचु आज्ञा प्रति अध्याय परी आज आम गहन अनेक अतिथि अनेक कलाकार भजन शुणापी नना विशिष्ट वरिष्ठ कंठशिल्पी तथा संगीत निर्देशक प्रफुल्ल बेहरा एपटे अच्छा शैल भामा महापात्र ओडिशार कोकिल कंठी गायिका बहु प्राचीन शास्त्र रे विविध घर समस्या समाधान कौन हम ये कथा कह तरुण ज्योतिष शास्त्री दीपक कुमार दास आपण मान जीवन को विविध संस्कार रे समृद्ध करने अच्छा संस्कारी गुरुजी पंडित वीरेन्द्र पंडा एपटे नना अच्छा प्रतिथर पर परमानंद साहू आउ विभु प्रसाद नंद नना आउ डेरी करवानी आम दी नना बसीचे आमठ पद शुणा को लोक चाह बस बोला आज जानुआरी मास षोह तारीख माघ मास बाघ शीत सब मन रख राति शीतर कोप जाऊ अच्छी बढ़ी ये मोटा कंथा नना हौ अच्छी घोड़ी हौ अच्छी घोड़ी तब कंथा घोड़ी हो हाँ ना कंथा काटु करूनी मते आउ कंथा पर आउटा मसीणा घोड़े हो हेंस 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 जम्मा हेंस घोड़े ही सोइबन निश्वास नहीं पे सप बंधा है का देह रे कहलो हां कूट जानी ना हां मृ घरे पचारी की बुझी के आसीओ ओ हो जीवित मनीष सप को घोड़े ही होंती नहीं अच्छा बुझिलो अच्छा मोना सेति पाई शास्त्र रे आगुरु कहले केतले घोड़ी हेतबो लोक नै पोस्टमार्टम सार देबे करी देबे आज्ञा एबे समय गोटे भापर भजन शुणा कोकिल कंठी गायिका शैल बामा ठार दीपटी चलू लाज लगुच दीपटी चलू लाज लगुच फूल परे तुमरी आगरे दीपटी चलू लाज लगुच दीपटी चलू लाज लगुच तारी तारीब सुख पछे थाई स्वार्थ पर ही गड़ी जाए मोर बयस गीता भागवत भजन जनाण खुशी
बढ़िया लगला आज्ञा शुणिले शैल भामा भावपूर्ण भजन घर दुआर मुहरे कुणिया पहुँचीगले बहु दांड दुआर मुहरे आगे पानी ढाल थोदब पिढ़ा रखिदेव अतिथि महाशय आसतु मु गोड़ धोदेवि गोड़ धो धो पाछोटी नब घर भितर को ता भितर लेंबू पानी टिके आनी बढ़ेदेव अतिथि किछि दिन रहिबे आ अतिथि विदाय नेला बेले बहु एरुंडु बंधु को धरी कांदु थिबो बुढ़ी माँ सक सक होतिबो ता पई सजडा होतिबो केते उपहार आ भितर समय बदलिला आमे एमिती एक समय को आसीचे अतिथि आसला बेले आमे पचारचे तो कोन किछि अर्जेंट काम थला इयाडा आस्तल रहिए को आसल कि आ काली केते बेले जाउछ गाड़ी केते बेले नना ओ जदि अतिथि के हटात आसिले हां से आगो पचारथिले कोन केमिति अछ भलो बंद अछ हां से कथा न पचारी पचार दिन सरु पिन चार्जर अछि कि नना हां आज्ञा प्रकृत रे जदि शास्त्र कहे अतिथि देव भव ताहले ए कथा रे केते परिमाण न सत्यता अछि आ शास्त्रीयता अछि जे अतिथि देव भव ताहा आजिर संस्कार मातृदेव पितृदेव आचार्य देव और अतिथिदेव आपड़ जानते माँ गर्भर मध्य शिक्षा दिए पिता मध्य कांधरे बस शिक्षा दिंती आचार्य विद्यालय जो गुरुकूल भितर आमको शिक्षा दूते किंतु जीवन से सरी जाए ना आज्ञा जीवन रकृत रहस्य से आम जापारती जीवन रकृत उद्देश्य से जना पड़े जोबले जीवन में किसी समस्या आसे इमिति संसार रे केही लोक नाहंती जहार समस्या नाही से समस्या को समाधान करिवा पई जणते केही गुरुजन दरकार ना जीवन रे समस्तंकर रोग अछि रोगर निराकरण पई आमे चिकित्सक पाख को जाऊ वैद्य निकट को जाऊ किबा कविराज निकट को जाऊ किंतु जीवन रे इमिति अनेक समस्या अछि जहा पत्नी पाखरे कहि हबो नै पति पाखरे कहि हबो नै पुत्र पाखरे कहि हबो नै बंधु पाखरे भी कहि हबो नै इमिति अनेक समस्या अछि आज्ञा पुणी से भाव बंधु को कहीदे काले बंधु कौटी कहीदब कि से भाई समस्या क्या पाखे कहपाई जड़े थे निराकरण करता से होती अतिथि अतिथि शब्द जानते क्या तिथि बार नक्षत्र न थी पूर्व सूचना नदे हठात आम घर को जे पहुँचुले कहते अतिथि आम स्त्री मैंने कह आगु जन आसता ना पर डबा चाउल पड़ी कौन करी अन्नर भंडार गृहस्थ जीवन में सेमती ना मुना मोपाई मिल पकेब ना मिल पड़े होटेल रे घरे के अन्न अभाव पड़े ना आम घरे के कहुए मुना रोसई हम ना कारण रोसई सब दिन अतिथिटी आसला बेले जहाँ कहते आज्ञा गृहिणी मैंने झरका पाखे देखती जड़े कई साधु सन्थ विद्वान कई जड़े राष्ट्रसेवक परिव्राजक आम घर को आसम घर आड़ मुहैले शीघ्र तरतर हो पा ढाड़े धरी पीढ़ाटे धरी दाण द्वार मेरे पहुँचे कहीं विप्र पाद उदक जहाँ घरे पड़े से घर स्वर्ग हो जाए आनंद तेणु स्वर्ग सुखर वंचित हे ना बोली माँ टे दौड़ी आसूला मो पु मो स्वामी मो दियर मो देशूर एम समस्ते स्वर्ग सुखर वंचित हूँ तेणु आनी अतिथि पाद धो दौला निज कानी में पोछ दौला गृह नहीं जहाँ थे भी लेंबू पा टे हूँ कि दही सरबत टे हूँ देलापर बसी सारापर पचारती कौन कौन आपण भोजन देवी भोजन सरला विश्राम पर पचारती अतिथि कौन करती जीवन तथ्य को उन्मोचन करती जीवन तत्व को प्रकाश करती जीवन में अनेक असमाधित प्रश्न को समाधान करती जीवन एपरी कथा जहाँ स्वामीटे स्त्री को कहीपर ना कि अतिथि को कहते आज्ञा मो स्त्री एमती जिदखोर हो जाऊँ पर नष्ट टे बुझे दिंतु स्वामीटी कह आज्ञा मुझे जिते थर चेष्टा कले मो स्वामी निशाग्रस्त होते चेष्टा कले भी बदल पारे दयाक आपड़ कही दिंतु पुओ दौड़िया से कह बापा को जिते बुझेले
से सेमिति दांडरे समस्तन सहित युक्ति करुछन ती के बुझै दियंतु बाप कह पुओटा मानुनी ताकु अर्थ जे जते अमना लोकंकु मनैबार माध्यम थिले अतिथि आ समस्तक पर से राज करुथिले घर को जेतले अतिथि आसतले ना सेतले स्वामी भी ज्वर होतला स्त्री भी ज्वर होतला बुढ़ा ज्वर होतले बुढ़ी ज्वर होतले वयस्क पिता पिता समस्ते ज्वर होतले अर्थ से समस्त प्रकृत अतिथि थे आम जी वर्षे सबुदिन तो घर घर को गोटे देखी ना वर्षे चार पांच तारीख गोटे बड़ डांगे सब अलंधु को सफा करू सेमती मनरे अलंधु को ये अतिथि जो वर्षे दुई चार थर आसते ना सब सफा कर दे पड़ती आम तो दही नहीं गाधाती कि मन भितर जो राग थाए स्त्री उपरे स्वामी उपरे भाई उपरे बंधु उपरे कुटुंब उपरे थाए ना अतिथि वर्षे दुई चार थर आसी ताको सब सफा कर दे जाती स्वामी कह स्त्री को बुझे आज्ञा या कहीकि घर छाड़ी पलैब सेठ अतिथि स्त्री को बुझेदेवे स्त्री टी कह रोसे जाऊँ बुझेदेव आज्ञा से बुझाऊ या भितर पर गोटे सूता भली काम करुले पर विभिन्न सदस्य रूपक फूल को नहीं एक सुंदर परिवार रूपक माला तैयारी कर दे अतिथि से माला को से गृहस्थ मुंडे दे गृहस्थ गलार पकईदे निजे दान दक्षिणा नहीं समस्त आशीर्वाद दे समस्त प्रणाम नहीं आउ समस्त दुख दे जहाँ कहून गला बेले कादुले कहीं आम सब कथा को समाधान करुवा लोकटी पुणी केवे आसिले आम समस्या समाधान करेंगे यही आशार से मैंने लुह गड़ौले सिना कहारी कोह न रखी समस्त प्रकृत एक आध्यात्मिकतार मोहरे पकईदे जा लोकटी होती अतिथि तेणु से अतिथि आज घर को आसुना बोली बहुत समस्या बढ़ी जाइए उत्तम गृहस्थ तार प्रथम कर्तव्य हूँ ज्ञानीगुणी लोक अतिथि रूप से गृह को निमंत्रण करूँ एवं समस्या समाधान करूँ अतिथि क्या कहते जान लो हाँ जान लि आज्ञा शुणिले अतिथि देव भव ये गोटे शास्त्रीय पंक्ति पछरे केड़े सुंदर सत्यता लुचि रही नना प्रफुल्ल भाई बस चेत तांकर कंठर गोटे सुंदर भाव भावपूर्ण भजन हौ भाई नदीए धरा सीए नदीए धरा नदीए धरा सीए नदीए धरा नदीए धरा सीए नदीए धरा भाव न थाई भजिले ताकू भाव न थाई भजिले ताकू जीवन सारा नदीए धरा नदीए धरा नदीए धरा सीए नदीए धरा पवन रूपरे सीए सबुटी अछि भक्ति बळे तार स्थिति जाणी हेउछि अदृश्य थाई दिशय से ही अदृश्य थाई दिशय से ही प्रेम रे परा नदीए धरा सीए नदीए धरा नदीए धरा सीए नदीए धरा जीए निजर करे जीवन टा कटि जाए महाशांति रे दुनिया रे ताकू जीए निजर करे जीवन टा कटि जाए महाशांति रे मरण परे ता पाखरे मरण परे ता पाखरे मिले आसरा नदीए धरा सीए नदीए धरा नदीए 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 धरा सीए नदीए धरा नदीए नदीए धरा सीए नदीए धरा नदीए धरा सीए नदीए धरा चमत्कार आज्ञा नना मृदंग न थाई आंठू दुटा को मृदंग कर भावपूर्ण भजन पारिवारिक जीवन में जहा जा समस्या व्यक्तिगत जीवन में जहा जा समस्या ज्योतिष तंत्र तार समाधान कौन अच्छी
ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେହି ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୀପକ କୁମାର ମହୋଦୟ। ଆଜିର ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାହା ନା କାହା ଘରେ ଝିଅଟିଏ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରକୁ ବୋହୁଟିଏ ଆସୁ, ପୁଅର ଯେତେ ଜାଗା ବାହାଘର ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ, ଆର ନିରାକରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଲାଗି ରହେ, ତା ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ଯଦି ତା'ର ବାହାଘର ହେଉନଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫ୍ରେମ୍ରେ ଫ୍ରେମିଂ କରି ବାୟୁକୋଣରେ ନିଜ ଘରର ଟଙ୍ଗାଇଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ କିମ୍ବା ସେଇ ପୁଅର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ କାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଗଳାମୁଖୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉନଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘରରେ ସମସ୍ୟାମାନ ଉପୁଜୁଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୈଳାଭିଷେକ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା କଲେ ବିବାହଜନିତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେବାର ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ବିବାହ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବା ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ମାଆ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ହଳଦିଆ ଆସନରେ ବସି ବଗଳାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ହ୍ଲିଂ ନମଃ। ବଗଳାଙ୍କର ଏକାକ୍ଷରୀ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ହ୍ଲିଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଜପ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଏରିଆରେ ଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଚାଉଳର ଭାତ କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିବାହ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବୈଦିକ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଜନିତ ଉପାୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ବିବାହ ଜନିତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ ବିବାହ ବାଧା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ନନା, ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାସେ ଫାଇନ୍ କଥାଟି କହିଲେ, ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାସେ ଯେ ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକ୍ରମାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଶୁରାଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କେଶୁରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 8ମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରବଚନ 9 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭାତରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦରବାରର 16 ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଧୃତଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମୂହ ଭାବରେ ଦୀପ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନସ ମୈଥିଳୀ ପ୍ରବଚିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ଦେବୀ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାମକଥା ଶୁଣାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଶୁରା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ 10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ବରଗଡ଼ର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତି ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଓ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର। 15 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଚରିତ୍ର, ଧନୁଯାତ୍ରା ପରିବେଶ, ନାନା ପୌରାଣିକ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ
बहु संख्यारे नेतृवर्ग और मान्यगण्य व्यक्ति एही चित्रकला प्रदर्शनी बुली देखिथिले। ठाकुर मानकर वर्ष सारा भिन्न भिन्न पर्वपर्वाणी पालन करा जाउथिया बेले सेथिमध्यरु घोड़लागी उत्सव आउ गोटिए पर्व। शीतर प्रकोपुर रक्षा पाइबापी श्रीजगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर ठारू आरंभ करी अन्यान्य मठ और मंदिर मानक ठाकुर मानक घोड़लागी नीति संपन्न हुए। मार्गशीर मास शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि यही नीति आरंभ हो माघ मास पंचमी दिन शेष हुए। पुराणा भुवनेश्वर स्थित श्यामाशंकर मठ से यह घोड़लागी नीति संपन्न हो मठर परिचालक अरुण गांगुली तत्वावधान यह उत्सव अनुष्ठित हो मठर समस्त देवादेवी को सुंदर सुंदर शीतवस्त्र घोड़लागी स्वतंत्र प्रसाद लागी करा जाइथिला। बहु संख्यारे भक्त ठाकुर को दर्शन करथिले। शेषे समस्ते पहली भोग प्रसाद ग्रहण करी आत्मतृप्ति लाभ करिछंती। नना एबे जीवा मंज कथा आगे बा मंज कथा रे कोन आज कहिया जानिछ को विषय नना दबा नवा कथा। अच्छा राति रे कोन दबा दरकार कोन न दबा भी दरकार। अच्छा दुई कंठशिल्पी मो सहित गीत करेंगे। आकाश दिशे की सुंदर कहाकु रचिले ईश्वर आकाश दिशे की सुंदर लुहा सरंजाम रात्रे होई निषेध आकाश दिशे की सुंदर घरु काढ़ी के बेहले अन्य कुन दब आकाश दिशे की सुंदर माटी खत रात्र काले घर कुआण ना आकाश दिशे की सुंदर नाना अनिष्ट घटिब होई अछि मना आकाश दिशे की सुंदर काठ बाउंश हाणवा राति निषेध आकाश दिशे की सुंदर शास्त्र कहे पाप लागे जथा शिशुवध आकाश दिशे की सुंदर ताहाकु रचिले ईश्वर आकाश दिशे की सुंदर ताहाकु रचिले आज्ञा ननाठू शुणिले आज मंज कथार केमी राति घर क्या लुहा जिनस दब ना घर भितर को मटीर चीज कलसी होठिया हो जहाँ मटीर जिनस राति आई आउ कौन ना काठ बाउंश भी राति आई एवं समय ही आपण मानू विदाय नवार विदाय दिंतु देखा हम आगामी अध्याय जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।